किधर घुसे चले आ रहे हो तुम? कुर्बानी, आपने हिस्से का गोश्त लेने जा रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? मैं भी गोश्त लेने जा रहा हूँ, लेकिन इस पे पहले मेरी नजर पड़ी है। तुम और कहीं जाओ। तुम अपना हिस्सा लेना, हम अपना हिस्सा लेंगे। तुम्हारे घर में फरीद जाए? फरीद तो नहीं है। तो इतना बड़ा देगचा लेकर कहाँ जा रहे हो? ये मुझे दो, ये पकड़ो शापर। तू ये बोरी लेकर कहाँ जा रहा है? तेरे घर में फरीद जाए? फरीज तो मेरे घर में भी नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में आए फरीज। क्या मतलब? खुल कर बात करो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तरह करो, पूरी बस्ती में फैल जाओ, गोश्त इकट्ठा करो। उसके बाद गोश्त इकट्ठा करके मेरे फ्रिज में स्टोर कर देंगे। फिर मिल के पूरा साल खाते रहेंगे। साल के 365 दिन नए खाते रहेंगे मिलजुल के। ये बात तूने पत्ते की किया है। तुम इस तरफ जाओ, तुम इस तरफ जाओ, इस पे नजरें मत डालो। इस तरफ मैं ही जाता हूँ, मैं ही। अपना हिस्सा लेने आया हूँ मैं। खरात का, सदकात का, यतीमों का, मक्सीनों का हिस्सा दो मुझे। सारा घर में जाकर स्टोर करोगे का पापुए? भाई अब यतीमों का डालो। भाई मक्सीनों का भी डाल दो ना कुछ। भाई तिक्का बोटी बनानी है मैंने, कुछ और डाल दो ना। अब ठीक है जाओ। भड़क क्यों रहे हो? जा रहा हूँ। ये एक बोटी उठा के जा रहा हूँ मैं। डालो थोड़ा और। भाइयो इसमें कुछ डाल दो। डालो थोड़ा सा और। पता नहीं कहाँ रह गए कबाक। ले आए हो? चलो भरो देगचे को। तोपे खां अब क्या करें, देगचा तो फुल हो गया। करना क्या है अब, आज तो पेट फुल है, कल इसका तिक्का बोटी बनाकर खाएंगे, परसों रोस्ट बनाकर खाएंगे, फिर खाते रहेंगे। अब मैं जाकर इसे फ्रिज में स्टोर कर देता हूँ, जाओ तुम। ये अच्छा हुआ इसके पास फ्रिज था, अब रोजाना मजे मजे से खाते रहेंगे। हाँ भाई ठीक है, अब इसको फ्रिज में रखता हूँ। अब कल मुलाकात होगी तुझसे टिक्का बोटी बनाने के वक्त। एक दिन बाद अब निकालता हूँ टिक्का बोटी के लिए गोश्त। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ तोपे खान? अरे कुछ तो बोलो तोपे खान, हमारा दिल बैठा जा रहा है। यार वो गोश्त ले आओ, टिक्का बोटी बनाते आए। वो लोड शेडिंग की वजह से रात लाइट नहीं थी, इसी वजह से सारा गोश्त खराब हो गया।
तो पैगान इतना गोश्त कैसे खराब हो सकता है? मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? जाके वापडा वालों पे केस करो। अब क्या बना के खाएंगे तो पैगान? घर में दाल पड़ी है, वो बनवा कर लाता हूँ।